ईद उल अजहा और मुहर्रम अल हराम की मुनासिबत से टाउन हॉल बेरवा में SDM बेरवा तौफीक अहमद गाजी की सदारत में अहम मीटिंग मुनक्द हुई। इस मीटिंग में तहसीलदारों के अलावा पुलिस और दीगर तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में ईद उल अजहा और मुहर्रम अल हराम के हवाले से तमाम इलाकों में बेहतर सहूलियात फराहम करने के तहत हिदायत दी गई है। मीटिंग में खास तौर पर पीने का साफ पानी दस्तियाब रखने, बाजारों में अशिया खरीदने की चेकिंग और सड़कों पर मुकर्रर वक्त से पहले मैगडम और मरम्मत करने की भी हिदायत दी। आने वाली जो ईद उल अज़हा है और उसके बाद ही 20 दिन बाद मुहर्रम का महीना स्टार्ट होने वाला है, इस मुनासिबत से हमने आज मीटिंग यहाँ पर एक बुलाई थी। दिस वॉज इन लाइन विद द डायरेक्शंस कन्वेड बाई आर वर्दी डेप्यूटी कमिश्नर सर। उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑलरेडी एक मीटिंग ली है और उन्होंने भी हिदायत दी थी कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही मीटिंग मुनाकिद की जाए, तो ताकि सब डिस्ट्रिक्ट अफसरान जो है उनको भी ये डायरेक्शंस पहुँचे, ट्रिकल डाउन हो जाए। और मेन जो डायरेक्शंस हिदायत जो इसमें पास हुई वो ये है कि जो ईद उल अज़हा के मौके पर जो फूड रिलेटेड जो भी दुकानें हैं, जो भी आउटलेट्स हैं, उनका इंस्पेक्शन हो, उनका जो फूड आइटम है उसकी क्वालिटी की इंस्पेक्शन हो, ना ही सिर्फ क्वालिटी बट रेट की भी इंस्पेक्शन हो। ऑब्जेक्टिव बस ये है कि जो फूड कम से कम फूड आइटम हमारे घरों में आता है, हम लोग खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, वो एक तो सही फूड आइटम हो, सेफ फूड आइटम हो और सही रेट पर मिले। तो दिस वॉज असल इसीलिए थी कि जो रेट लिस्ट डायरेक्टरेट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स की जानिब से इशू होता है वो ऑन ग्राउंड अमलाया जाए। तो तहसील वाइज टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई, हिदायत दी गई कि हर किसी तहसील में, हर किसी मार्केट में कम से कम एक एक टीम पहुँचे, वो कम से कम उन रेट्स को इम्प्लीमेंट करें ऑन ग्राउंड।